Hey guys, assalamu alaikum. Welcome to Aiman Vlogs. So, finally time aa gaya hai ki main apna target pura karun, yani ki Horror Dears Part 3 mein maine aap logo se kaha tha ki agar aap mujhe target yaad nahi hai maine kya rakha tha, lekin agar is video pe itne views aate to fir main apne sare horror incidents aap logo se share karti. So, us pe wo target pura ho gaya hai, but maine dekha nahi whether hua hai ki nahi. Agar hua to main yahan pe screenshot dalungi. तो वो टारगेट अब पूरा हो चुका है. सो अब फाइनली टाइम आ गया है, मैं अपना वादा निभा रही हूँ आप लोगों से. अपने सारे में जितने भी जिंदगी में हॉरर इंसिडेंट्स हुए हैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. तो इस वीडियो को एंड तक देखना कि मैं क्या क्या आपसे बातें करने वाली हूँ. सो जो इंट्रो मैं आपने पढ़ोगे अभी, जो इस सीन के बाद जो इंट्रो आएगी उसको पढ़ोगे, तो जो उसमें लिखा हुआ है वो कर देना, यानी कि लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन ऑल. सो बिना किसी देर के इसको स्टार्ट करते हैं हमारे हॉरर इंसिडेंट्स. सो गाइज, अब मैं आपको अपना फर्स्ट हॉरर इंसिडेंट बताने जा रही हूँ, जो कि है 2018 की बात है, जब हम लोग यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे. अभी लास्ट मंथ ही हम लोग शिफ्ट हुए थे, मतलब इस साल के लास्ट मंथ ही, मतलब 2018 के सितंबर में हम लोग शिफ्ट हुए थे. और अभी है आज 1 अक्टूबर 2021 है, और ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी 16 अक्टूबर को. सो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये वीडियो शूट हुई है. सो हमेशा मैं हर वीडियो शूट ही करती हूँ. तो ये 2018 की बात है, जब लोग यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पर इस घर में पहली रात, दूसरी रात और तीसरी रात, इन तीन रातों को मुझे इस घर में से इतनी वियर्ड आवाज़ें आती थी गाइस कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ. एक रात को, मतलब कि फर्स्ट नाइट, जब हम लोगों का सारा सामान शिफ्ट हो गया, हम लोग फर्स्ट नाइट इस घर में सोए, तब भी हमारी सेटिंग ऐसी ही थी कुछ. सो मुझे आती थी, मुझे एक दफ़ा हंसने की आवाज़ आई. यू कांट इवन इमेजिन कि मुझे हंसने की आवाज़ आई, और मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती. क्योंकि एक तो हम लोग इस घर में नए थे, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हंसने की आवाज़ कैसे आ सकती है. और जब हम लोग नए नए आए थे, तो जो हमारे जो रूम का दरवाज़ा है ना, जो आपको बताती हूँ बंद नहीं होता था, वही दरवाज़ा हवा से गाइस, कोई खिड़कियाँ नहीं हुआ करती थी, कोई दरवाजे नहीं खुले हुए करते थे, वो दरवाज़ा अपने आप खुल बंद होता, जिससे मतलब हवा से ऐसे नहीं खुलता, फ़ौरन ऐसे ठग बंद. तो गाइज, मुझे इस घर में पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था, मुझे हंसने की आवाज़ आई, तो मुझे लगा मेरी मॉम है, तो मैंने भी हंस के जवाब दिया, तो फिर मुझे आवाज़ आई, तो मैं इतना ज़्यादा डर गई. देन मैंने मम्मी से अगले दिन पूछा, तो उन्होंने कहा मैं नहीं हंस रही, एंड आई वॉज सो स्केर्ड. अब आप लोग कहोगे आप खुद ही नींद में हंस रही, आप हेलुसिनेट कर रही, लेकिन इतना कुछ आप हेलुसिनेट नहीं कर सकते हो यार, इतना कुछ आप कैसे कर सकते हो. मुझे दरवाजे वाली बात बता रही हूँ, तो बिल्कुल ही सच थी. मैं आपको बता भी नहीं सकती कि इस वक्त मुझे इतना डर लग रहा है. और ये वही जगह है जहाँ पे वो आवाज़ें आती थी. तीन साल हो गए अब हमें यहाँ आए हुए, अब उसी तीन रातों के बीच में कुछ आई थी, हम लोग यहाँ नए नए आए थे, उसके बाद से वो कभी भी आवाज़ नहीं आई. फिर हमने कुरान पाक की तिलावत की, और सूरतें चलाई थी घर में, घर पर पड़ा हुआ पानी इस तरह फूकते हैं जब नए नए घर में किसी भी शिफ्ट होते हैं, कुरान पाक रखते हैं, तो वो हमने किया. देन मुझे उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई. आई डोंट नो कि इस घर में क्या था, लेकिन ये घर 2 महीने से बंद था, क्योंकि बाबा ने बताया था, जिस प्रॉपर्टी जिस हमने इस घर की बात की थी, उसने बताया था कि ये घर 2 महीने से बंद था. और ये भी रीज़न नहीं बताया था कि क्यों इस घर को छोड़ा गया है. इट वॉज़ वेरी स्कैरी, ये था मेरा फर्स्ट इंसिडेंट. सो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो. सब चलते सेकेंड पे. सो गाइज, अब जो मैं आपको इंसिडेंट बताने वाली हूँ वो भी बहुत ज़्यादा स्केरी है, जो कि हमारे साथ हुआ जब हम लोग यहाँ नहीं आए थे, जब हम लोग मुल्तान में थे, तब हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट. एक दफ़ा हम लोग कहीं जा रहे थे, मतलब सर्दियों की बात थी, ऑलमोस्ट फेबररी या जनवरी फेबररी को चल रहा था, और आपको पता ही है कि पहले मोटरवे वाला नहीं बना था ना, शोरपुर वाला मोटरवे. गाइज, आई फेल्ट समथिंग, आई स्वेयर आई फेल्ट समथिंग बिहाइंड मी. तो जब ये वाला मोटरवे नहीं बना था, ये शोरकोट मोटरवे, देन हम लोग मतलब जीटी रोड से जाया करते थे, तो वहाँ पे आपको पता है सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा फॉग होती है, बिकॉज तब हम 12 घंटे में पहुँच जा करते थे, रात को भी चलें तो जो है सुबह पहुँचते थे, तो इतनी ज़्यादा फॉग होती थी. एक रात को 2:30 बजे हम लोग जा रहे थे, इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, और बहुत ज़्यादा फॉग थी, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था गाइस कि हम लोग क्या करें.
हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हम लोग मुल्तान कैसे पहुँचेंगे। उस वक्त हम मुल्तान से थे भी कुछ 250-300 किलोमीटर दूर, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि हम बहुत ज़्यादा डर गए थे खासकर मेरे मम्मी पापा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फोक थी, हम आगे कुछ देख भी नहीं सकते थे कि आगे हो क्या रहा है। सो हमें एक गाड़ी दिखी, वो गाड़ी प्लाटो गाड़ी थी, एंड पता नहीं क्यों उसने ना हमें कहा कि ना आप चलो, मैं ना आपको रास्ता पैर दे, क्योंकि मुझे ना सब नज़र आ रहा है। तो हमें सुन के काफ़ी वियर्ड फील हुआ कि हमें नज़र नहीं आ रहा, उसको कैसे नज़र आ रहा है। हम उसके पीछे पीछे गए और अचानक से 2-3 मिनट बाद ही फौरन फॉग गायब हो गई, और वो बिल्कुल हमारे आगे था और वो अचानक गायब हो गया, वो गाड़ी ही गायब हो गई। गाइज आई कांट बिलीव, अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए फरिश्ता भेजा था हमें फॉग से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे, ना हम इधर जा सकते थे ना इधर जा सकते थे, इतनी ज़्यादा फॉग थी हमको नज़र भी नहीं आ रहा था। तो अल्लाह ताला ने इस गाड़ी को हमारे लिए फरिश्ता बनाया, हम बहुत आगे तक गए लेकिन वो गाड़ी हमें कहीं नहीं दिखी, ना वो हमें टर्न होते हुए दिखी ना कहीं, और फॉग भी अचानक 2-3 मिनट बाद खुद ही सारी हट चुकी थी। सो अल्लाह मियाँ ने यही है कि अगर कहीं पर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। सो इस बात पे हम लोग बिलीव रखते हैं, तो आप लोग भी बिलीव रखिए, और अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो पैनिक मत किया करिए, अल्लाह ताला आपके लिए भी कोई ना कोई वसीला ज़रूर बना के भेजेगा। सो ये मेरा सेकंड इंसिडेंट था। सो अब चलते हैं थर्ड पे। सो गाइस मेरा थर्ड इंसिडेंट है कि जब हम लोग यहाँ आने वाले थे, बल्कि जब जहाँ पिछले साल यानी कि 2019 की बात बता रही हूँ आपको, तो पता नहीं कैसे गाइज मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी कुछ दिन में, पूरे 1 साल के लिए। गाइज आप लोग सुन रहे हो कैसी आवाज़ आ रही है? यही आवाज़ें आती हैं गाइज, और इस घर में मुझे लगता है कोई ज़रूर मसला है। मैं आपको अपना हाउस टूर कराऊंगी तो पूरा घर दिखा दूंगी। गाइज अब मैं रूम में बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे है। ओ गाइज मैं आपको ये बताई थी 2019 की बात है, जब मैं बहुत ज़्यादा इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। पता नहीं मैं कैसे हो गई, पर पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मुझे जो है मैं रात को सो नहीं पाती थी बिल्कुल भी, और मुझे हार्ट बीट रात को अचानक तेज़ हो जाती थी 2:30-3 बजे के दरमियान, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था गाइस। अचानक ही मुझे डर लगने लग जाता था, सारे मुझे हॉरर टेक कैरेक्टर्स जितने भी मैं जानती हूँ सारे मेरे माइंड में आ जाते थे, मुझे लगता कि वो मेरे पास आ जाएंगे, मेरे बिस्तर के पास बैठे हैं। मुझे गाइज इतनी ज़्यादा हेलोसिनेशन होने लग गई थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने अपने मॉम डैड को नहीं बताया कि मैं प्रॉपर डिप्रेशन में थी। मैं रातों को बिल्कुल ज़रा सी एक मिनट के लिए भी नहीं सो पाती थी गाइज। जहाँ मैं सोने लगूँ वहाँ मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और जो मुझे हेलोसिनेशन शुरू होती है वो बहुत ज़्यादा स्केरी होती हैं। ये मैं 2019 की आपको बात बता रही हूँ, और बहुत स्केरी बात थी। सो गाइज ये था मेरा थर्ड, और उसके बाद पता नहीं कैसे जैसे 2020 का जनवरी आया या मेरी बर्थडे आई, मैं सारी हेलोसिनेशन सारी डिप्रेशन भूल गई। जब मेरा बर्थडे आता तो मैं हमेशा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ जैसे मेरा फर्स्ट बर्थडे हो। मैं पता है 12 ईयर्स की, बट मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा शौक है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का, और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। आप लोग भी मुझे गिफ्ट दे दो यार, 1K कर दो जल्दी से, लाइक भी कर दो। सो 17 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं सारी अपनी डिप्रेशन भूल गई। पता नहीं गाइस 3-4 महीने मेरे साथ क्या होता रहा, मुझे भी खुद पता नहीं चला वो क्या था। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा हार्ट बीट, मैं लिटरली हर रोज़ अपने मॉम डैड को उठाती थी, और कोई ना कोई मेडिसिन मुझे हार्ट की प्रॉब्लम की खानी ही पड़ती थी। मुझे इतनी ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ होने लग गई थी, और मुझे मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी, मुझे इतना डर लगता था, पता नहीं क्या हो जाता है। 2019 में मेरे साथ ही हुआ। सो ये भी मेरा इंसिडेंट था बहुत स्केरी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। सो अब चलते हैं हमारे फोर्थ इंसिडेंट पे। सो गाइज अब जो इंसिडेंट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने अभी तक अपने फैमिली मेम्बर्स से भी शेयर नहीं किया है। ये उतना ज़्यादा स्केरी तो नहीं है, बट क्रीपी बहुत ज़्यादा है। एक दिन मैं, मेरी आदत है गाइज हफ्ते में 1-2 दफ़ा मैं अपने कानों में हैंडफ्री लगा के, अपने जितने भी फेवरेट सॉन्ग्स हैं ना, पाकिस्तानी सुनती हूँ मैं, इंडियन नहीं सुनती, वो सारे सॉन्ग्स हैंडफ्री लगा के ना उधर, आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा पर थोड़ा गाने गाती हूँ या वॉक करती हूँ। तो एक दिन मैं वॉक कर रही थी और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने लग गई रूम के अंदर, और मैं शॉक्ड हूँ बिल्कुल। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो फिर मुझे पता चला कि
वो सब मेरा वहम होगा। मैंने कहा छोड़ो यार वहम होगा। देन मैंने देखा कि मेरे पास एक जहाँ मैं खड़ी थी एक पीस ऑफ पेपर पड़ा है। एंड गाइस जब मैं वॉक करती थी वहाँ कोई भी पेपर नहीं था, ना ही कोई रख के जाता, ना कुछ ना कुछ। एक पीस ऑफ पेपर था, ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, इतना बड़ा पीस था वो पूरा, मतलब जितना मीडियम स्क्वायर शेप में होता है ना उतनी शेप का था। आई डोंट नो कहाँ से आया, हवा से तो आ नहीं सकता रूम के अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस वक्त। तो वो भी मेरा एक्सपीरियंस इंसिडेंट था, मेरे लिए तो था क्योंकि जो फील करता है उसी को पता होता है। आप लोग तो सिर्फ सुन रहे हो, आप लोग को मुझे झूठा भी कह दोगे, लेकिन आई बिलीव यू गाइज आप लोग मुझे सच्चा समझे, सच्चा ही कहोगे। और ये जितने मेरे आपको इंसिडेंट बताए सारे मेरे पर्सनल इंसिडेंट्स हैं। सो यही थे आज के मेरे इंसिडेंट्स। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं बहुत जल्द आपसे अपनी न्यू नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।